వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. दुर्योधन के बीच में अंतिम समय में वार्तालाप होती है. दुर्योधन मूर्छित अवस्था में धरती पे पड़ा हुआ था, लेकिन अहंकार उसका नहीं गया. मूर्छित अवस्था में भी बैठे हुए एक हाथ पर उठकर और भगवान श्री कृष्ण से कहने लगा, हे मधुसूदन, क्या तुमने मेरे साथ छल कपट किए बगैर ये युद्ध जीत सकते थे? क्या मैं ये नहीं जानता कि किस प्रकार से तुमने भीम को मेरी जंघा को तोड़ने के लिए कहा? मैं ये नहीं जानता कि भीष्म पितामह को शिखंडी द्वारा तुम्हारे षड्यंत्र से मारा गया? क्या मैं ये नहीं जानता था कि कर्ण जब अपने रथ का पहिया उठा रहा था तभी आपने पीछे से उस पर वार किया? क्या मुझे ये नहीं पता है कि आपने द्रोणाचार्य के साथ अश्वत्थामा हाथी मारे जाने की झूठी खबर फैला दी, जिससे उन्होंने अस्त्र छोड़ दिए और उन पर आपने प्रहार कर दिया? अब शब्द कहे दुर्योधन ने और कहने लगा, क्या बिना माया के ये युद्ध आप उससे जीत सकते थे? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे दुर्योधन, तू तो वैसे ही मरा हुआ था, तुझे मारने की जरूरत नहीं थी. तू उसी दिन मर गया था जिस दिन तूने भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण किया था. तो उसी दिन मर गया था जिस दिन तूने पांडवों का हक मारा था. अश्वत्थामा के मृत्यु के उपरांत ही तेरे जो छल कपट थे वो बाहर आए. तू उस दिन मारा गया था, तू उस दिन मारा गया था जब तूने भरी सभा में पांडवों को हक देने से मना कर दिया था. तूने पांडवों को जलाने की कोशिश की, उसी दिन मर गया था. यह युद्ध सत्य और असत्य के ऊपर था और जो लोग असत्य का साथ दिया उनका तो अंत होना ही था. छल कपट की बात जहां तक दुर्योधन तुम कर रहे हो, सबसे ज्यादा छल कपट तो तुमने ही किया था. मैंने तो सिर्फ सत्य का साथ दिया है. यह आखिरी वचन भगवान श्री कृष्ण और दुर्योधन के बीच में होते हैं और दुर्योधन कहने लगा कि हे मधुसूदन, मैं तो अपने निकट संबंधी अपनी सेना के साथ ही स्वर्ग लोक जाऊंगा और तुम यहीं भटकते रहोगे. पांडवों के साथ यही अपनी रासलीला रचाओगे. मैं तो अपने धाम को जा रहा हूं. ये आखिरी शब्द कहके और वो मुक्त हो गया.